आज हम बनाएंगे सोयाबीन की पुलाव। ये है सोया मिनी चॉप्स। इसके लिए हमने पहले से ही लेके रख लिया है। इसमें हम डालेंगे पानी और इसको गैस पे हम चढ़ा देंगे। थोड़ी पानी डाल देंगे, हमने गैस पे चढ़ा दिया। इसको 10 मिनट तक बॉईल करेंगे। चार बड़े बड़े हमने प्याज ले लिया, उसको बारीक काट लेंगे। उसको हमने प्याज काट के धो के रख लिया। अब हम ऊपर गैस को चढ़ाएंगे। हमारी बढ़िया उबल रही है, देखिए। इसको थोड़ी देर और उबालेंगे हम। तो हमने चावल ले लिया, अब इसको अच्छे से धो लेंगे, धो के रख लेंगे। हमने फ़ौरन भी तैयार कर लिया, सोयाबीन भी धो लिया और प्याज भी हमने धो के रख लिया। हमने गैस पे कुकर चढ़ा दिया है। अब इसमें हम तेल डालेंगे। तो तेल गर्म हो गया, अब इसमें सारी चीज़ें डालेंगे। अब हम इसमें चाय डालेंगे। तो अब इसमें हम नमक डालेंगे। प्याज अच्छे से भूनना चाहिए। दोस्तों ये रहे हमारे मसाले, हल्दी, लाल मिर्च और गरम मसाला। ये रहे थोड़ी सी किशमिश, ये रोस्टेड काजू। रोस्टेड काजू का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, इसे हमने रोस्टेड किया हुआ काजू डाला है। प्याज भून चुका, मसाले हम डालेंगे। मसालों को थोड़ी देर भून लिया है। तो हमारा मसाला भी भून गया, अब इसमें पानी डालेंगे। ज़्यादा नहीं डालना है, पहले हमें सोयाबीन के लिए, पुलाव के लिए सब्जियाँ बनानी है। अब हम इसमें 2 सीटी लगाएंगे। पुलाव के लिए सब्जी बन के रेडी हो चुकी है, देखिए। अब हम इसमें चावल डालेंगे। इतनी खूबसूरत है। तो हमने चावल डाल दिया है, थोड़ी देर चलाएंगे। अब इसको हमने चावल पानी डाल दिया। अब हम इस पुलाव में 1 सीटी लगाएंगे। इसको हम ये डालना भूल गए थे, अब इसे भी डाल देंगे। हम दोस्तों मेरा पुलाव रेडी हो चुका है। अब खोलते हैं, खोल के आपको देखिए कितना खूबसूरत। अब इसको हम प्लेटिंग करके आपको दिखाएंगे। तो अपना हमारा पुलाव देखिए कितने खिले खिले बने हैं, एकदम से बहुत ही टेस्टी। आप भी अपने घर पे बनाइए, बच्चों को खिलाए, बच्चों को बहुत पसंद आए। दोस्तों हमारी प्लेटिंग हो चुकी है, देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। इसमें बच्चों के लिए सब्जी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप अपने घर पे एक बार जरूर बनाइएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।